नमस्कारम फ्रेंड्स, ईशा योगा सेंटर इतना बड़ा और इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि अगर आपने यहाँ का वीडियो देखा हो या यहाँ का वर्चुअल टूर किया हुआ हो तो भी यहाँ आने के बाद आप इनकन्वीनियंस महसूस कर सकते हैं। पिछले महीने जब हम यहाँ ध्यानलिंग मंदिर के डॉक्यूमेंट्री के लिए आए तब हमने भी कुछ ऐसी इनकन्वीनियंस फील करी जो कि शायद लगभग हर फर्स्ट टाइम विजिटर्स को हो सकती है। तो साथ ही हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम यहाँ का एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आए जिससे आप यहाँ आकर होने वाले इनकन्वीनियंस या परेशानी से बच सके। साथ ही यहाँ किन लोगों को आना चाहिए, किन लोगों को नहीं आना चाहिए और यहाँ क्यों आना चाहिए, ये सारी चीजें भी शेयर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS Explores। फर्स्ट स्टेप टू लॉक द डेट। फ्रेंड्स, जब भी आप ईशा योगा सेंटर आने का प्लान बनाएं तो सबसे पहले जैसे ही आप अपनी डेट्स लॉक करते हैं यानी आपके आने की तारीख फाइनल होती है, उसके बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है cottage.isha.in की वेबसाइट पर जाना, जो कि ईशा योगा सेंटर के कॉटेज बुकिंग की वेबसाइट है, और वहाँ आपको जो भी आपके बजट के हिसाब से कॉटेज या रूम पसंद आते हैं उसे बुक कर लेना ताकि प्रेफर्ड स्टे नहीं मिल पाने से बच सकें, क्योंकि हॉलीडेज पे और वीकेंड्स पे यहाँ के रूम बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं। कॉटेज ऑप्शंस, यहाँ रुकने के लिए आपके पास लगभग 10 कॉटेजेस और रूम्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बुकिंग के लिए वेबसाइट पे आपको अपनी डिटेल और अपने पार्टनर की डिटेल डालनी होती है, और अगर आपके साथ कोई अपोजिट जेंडर का व्यक्ति जा रहा है तो आपके ब्लड रिलेशन में होना चाहिए और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप शेयरिंग रूम्स बुक कर सकते हैं। और अगर वो ब्लड रिलेशन में नहीं है तो आपको 2 डिफरेंट रूम्स बुक करने होंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपको पहला मेल आता है जो कि आपके फॉर्म फिलअप का ही एक मेल होता है, लेकिन ये बुकिंग कंफर्मेशन नहीं होता। बुकिंग कंफर्मेशन के मेल आने के लिए लगभग 24 घंटे का टाइम लगता है। अगर आपको जल्दी है तो आप वेलकम पॉइंट के कस्टमर केयर में कॉल करके बुकिंग ID जो कि फर्स्ट मेल में ही जनरेट होके आ जाता है वो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करने पे वो वहां से तुरंत आपको कंफर्मेशन का मेल भेज देते हैं। कंफर्मेशन मेल मिलने के तुरंत ही बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करने होते हैं और उन्हें सेंड करना होता है ताकि आपका रूम तुरंत कंफर्म हो जाए। अगर आपको आपके इनबॉक्स में मेल ना दिखे तो आप अपना स्पैम या जंक फोल्डर भी चेक करते रहें। फ्रेंड्स, यहाँ का एंट्री लेवल का जो रूम है उसमें 2 लोग रह सकते हैं। अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो भी आपको पूरे रूम का चार्ज पे करना होता है, लेकिन जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं सिंगल रूम के लिए और अगर आप सिंगल ही यहाँ पे स्टे करने वाले हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि आप केवल अपना डिटेल भर के आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि रूम 2 लोगों के लिए होता है तो आपको सेकेंडरी गेस्ट का भी डिटेल फिल करना होता है। तो आप इसमें अगेन अपना डिटेल फिर से फिल कर सकते हैं और रिलेशनशिप में पार्टनर या ब्रदर डाल सकते हैं। इसके बाद आप आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि जेंडर सेम है, इस वजह से कैंसिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन दोनों फील्ड्स को फिलअप करना मैंडेटरी होता है। एंट्री लेवल का रूम यहाँ पे 990 रुपए से शुरू होता है, जिसमें टैक्स इंक्लूडेड होते हैं, दोनों टाइम का फूड इंक्लूड होता है और वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड होता है। यानी अगर आप 2 लोग आ रहे हैं तो पर हेड आपको 500 रुपए से भी कम का चार्ज पे करना होता है। तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा सौदा है। तो अगर आप कोयम्बटूर में अगर रुकने का प्लान कर रहे हैं तो उससे बेटर है कि आप यहाँ ही रुकें और यहाँ की चीज़ों को ऑप्टिमम एक्सप्लोर कर सकें। आप दुनिया के किसी भी कोने से ट्रेवल कर रहे हो, आपको यहाँ आने के लिए सबसे पहले कोयम्बटूर आना पड़ेगा। यहाँ से आपको ईशा के लिए बस मिल जाएगी और टैक्सी भी मिल जाएगी। हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था इसलिए हमने टैक्सी प्रेफर करी, जिसका चार्ज लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास पड़ा। लेकिन अगर आपके पास लगेज बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप बस से आएँ, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। साथ ही इसका चार्ज भी बहुत कम है, ओनली 40 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से लगता है, जो आपको ईशा के मेन गेट पे ही ड्रॉप करता है। गांधीपुरम बस स्टॉप से आप 14D नंबर की बस में बैठकर सीधा ईशा योगा सेंटर के मेन गेट तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास लगेज ज्यादा है और आप टैक्सी से आ रहे हैं तो आप सीधे वेलकम पॉइंट तक ही आ सकते हैं, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ईशा योगा सेंटर में स्टे नहीं कर रहे हैं और आप बस या टैक्सी जिससे भी आ रहे हैं, आप ईशा के मेन गेट पे उतर सकते हैं और मेन गेट के सामने ही बैगेज काउंटर है जहां पे अपने आप बैग्स और कैमराज रख सकते हैं। बैगेज काउंटर से अगर आप राइट जाएंगे आप सीधे आदि योगी के आइकॉनिक स्टैच्यू तक पहुंच जाते हैं, जो कि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहां तक जाने के लिए आप बुलक कार्ड्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसका फेयर 10 रुपए पर हेड के हिसाब से लगता है। बैगेज काउंटर के लेफ्ट साइड पे ईशा फाउंडेशन का आश्रम का मेन गेट है, जहां से आप ईशा योगा सेंटर के लिए एंटर कर सकते हैं। इस प्रिमाइस में गेट से अंदर मोबाइल फोन्स और कैमराज अलाउड नहीं है, सो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। अगर आप ईशा स्टे कर रहे हैं तो आप मोबाइल फोन्स वगैरह अंदर ले जा सकते हैं।
आप नागा गेट से जैसे ही अंदर जाते हैं लेफ्ट साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन सेंटर मिल जाता है, जहां से आपको यहां के प्रोग्राम्स के शेड्यूल मिल जाएंगे जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब गेट से अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं लेफ्ट साइड पे हमें बहुत ही बड़े बड़े पाम ट्रीज, कोकोनट ट्रीज नजर आते हैं, और लेफ्ट साइड पे ही हमें बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स नजर आएंगे जहाँ पे आप इम्पल्सिव बाइंग कर सकते हैं, कुछ ईशा के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। इसको क्रॉस करते हुए जैसे ही हम लगभग आधा किलोमीटर पैदल चल के आगे जाते हैं, यहाँ एक कैफेटेरिया बना हुआ है जहाँ पे आप अपनी थकान मिटा सकते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं, और साथ ही कुछ ईशा के अदर स्टोर्स हैं जहाँ पे ईशा के टी शर्ट्स, धोतीज, बुक्स और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। यहाँ से हम जैसे आगे के लिए बढ़ते हैं हमें सामने एक बड़ा स्ट्रक्चर नजर आता है जहाँ पे चढ़ के हम सूर्य कुंड पे पहुंच जाते हैं। सदगुरु बताते हैं कि अगर आप ध्यानलिंग मंदिर में जाके मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप अगर सूर्य कुंड में स्नान करके जाते हैं तो आपकी बॉडी और ज्यादा रिसेप्टिव हो जाती है। सूर्य कुंड से हम जैसे आगे बढ़ते हैं एक छोटे से सुंदर से पुल को क्रॉस करके हम सामने नंदी के स्टैच्यू के पास पहुंचते हैं। नंदी के स्टैच्यू के सामने एक इमली का पेड़ है जहाँ पे आप बहुत सारे सेक्रेड थ्रेड्स और कुछ क्लोथ्स बंधे हुए आप देख सकते हैं। इसके सामने ही दुनिया का सबसे अनोखा ध्यानलिंग मंदिर है, जो कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो आपके आध्यात्मिक खोज को नया रास्ता दिखा सकता है। अगर आप ध्यानलिंग मंदिर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे मेकिंग ऑफ ध्यानलिंगा के डॉक्यूमेंट्री सीरीज को जरूर देखें, जिसपे हमने ध्यानलिंग बनने की पूरी प्रोसेस और इसकी विशेषता अब तक लेकर आए हैं। नंदी के स्टैच्यू से हम राइट जाते हैं और राइट में एक बैरिकेड को क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे हम ईशा के सेक्रेड ऑफरिंग्स और ईशा प्रोडक्ट के स्टोर देख सकते हैं। साथ ही उसके पीछे एक कैफेटेरिया है और यहाँ से सीधे लगभग 50 मीटर की दूरी पर आप वेलकम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको अपनी बुकिंग आईडी शो करनी होगी, इसके बाद आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और अपने रूम के चार्जेस आपको पे करने होंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट काउंटर चले जाते हैं। नेक्स्ट काउंटर में आपके स्टे के लिए रिस्ट बैंड दिया जाता है जिसमें आपके कॉटेज का नाम लिखा हुआ होता है। काउंटर छोड़ने से पहले आप अपना कॉटेज नेम और आपके रिस्ट बैंड पे लिखा हुआ कॉटेज नेम जरूर क्रॉस चेक कर ले, क्योंकि इससे आपको आगे इनकन्वीनियंस हो सकती है, जैसे कि हमारे साथ हुई थी रॉन्ग रिस्ट बैंड मिल जाने से। तो फ्रेंड्स, हम अभी अपने स्टे के लिए आए हुए थे। हमारा स्टे जो रिस्ट बैंड मिला हुआ था वो ब्रह्मपुत्र स्टे का मिला हुआ था। यहाँ आने के बाद पता चला कि हमारा स्टे शिवपदम जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे है। तो अभी फिर से पता नहीं कितना देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी हाफ एन आवर यहाँ से बस चलती है। हाफ अ किलोमीटर है यहाँ से जाया जा सकता है, बट लगेज के साथ अभी जाना हम प्रेफर नहीं कर रहे हैं, बैठ के वेट कर लेना बेटर है। वहाँ जाके रूम में फ्रेश होंगे, टायर्डनेस तो नहीं है लेकिन क्योंकि डेढ़ दिन का लगभग ट्रेवल था ट्रेन से तो थोड़ा सा फ्रेश नहीं लग रहा, गर्मी भी है, तो रूम में जाके फ्रेश होके और देखते हैं क्या क्या चीज़ें कवर करी जा सकती है, साथ ही ईशा योगा सेंटर की बाकी चीज़ों को कवर करते हुए आपसे मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग ES Experts। वेलकम पॉइंट के पीछे पार्किंग स्पेस पे आप आ जाएं और यहां से आपको एवरी हाफ एन आवर आपके रूम के लिए एक बस मिल जाती है। यहां से बस लेकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने रूम तक जा सकते हैं। रूम की दूरी डिपेंड करती है कि आपने कौन सा स्टे फाइनल किया, क्योंकि ईशा फाउंडेशन काफी बड़ा है। इसके बाद बस से आप अपने स्टे तक पहुंच जाते हैं, वहां पे आप चेक इन फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं और अपने स्टे में आ जाते हैं। रूम में एंटर करते ही सबसे पहले चीज जो आप नोटिस करते हैं वो है यहाँ की क्लीनलीनेस और हाइजीन, जो कि किसी भी स्टार रेटेड होटल से कम नहीं है, और यहाँ का वॉशरूम भी एक्सट्रीमली हाइजीनिक है। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद आगे की चीजें डिस्कस करते हुए बहुत जल्द मिलते हैं। किसे नहीं आना चाहिए? वैसे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के लोगों के लिए किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप आस्तिक हो या नास्तिक, यहाँ की सुंदरता आपको मोहित करे बिना नहीं रह सकती। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई इन्फेंट यानी छोटे बच्चे हैं तो आपको इस ट्रिप को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में आप इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। दूसरी चीज, यहाँ पे पेंट्री और कैंटीन की टाइमिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से बच्चों के लिए उनके प्रोविजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रेवल करते हैं तो आप कुछ टाइम के लिए इस ट्रिप को पोस्टपोन कर सकते हैं, या अगर आपको आना ही है तो उनके कंप्लीट प्रोविजन के साथ आना आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। इन्हें यहाँ आना चाहिए? यहाँ आ तो सभी सकते हैं, लेकिन अगर आपको अध्यात्म में थोड़ा सा भी रुझान है तो ध्यानलिंग मंदिर एक मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है, जहाँ आपको अपने आध्यात्मिक खोज का रास्ता मिल सकता है, वो भी बिना किसी गुरु की सहायता या मार्गदर्शन के। और इसके अलावा अगर आपको घूमने का शौक है तो यहाँ का 112 फीट का आइकॉनिक आदि योगी का स्टैच्यू, जो कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है, इसे मिस करना शायद कोई भी घुमक्कड़ बिल्कुल नहीं चाहेगा। और यहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा है जो कि यहाँ आए बिना आप कभी किसी और जगह फील नहीं कर सकते।
साथ ही ईशा फाउंडेशन के बहुत बड़े इकोसिस्टम में प्रकृति के बीच रह के आप फ्री रिट्रीट, योगा सेशंस, मेडिटेशन, इनिशिएशन, सात्विक ऑर्गेनिक फूड और एक्सक्लूसिव ईशा प्रोडक्ट्स को एंजॉय करते हुए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे में मोस्ट ऑफ द टाइम चेक इन की फॉर्मेलिटीज, रूम शिफ्टिंग, रिफ्रेश होने और फूड में निकल जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर चेक इन टाइम, आप बचे हुए समय को आश्रम से फैमिलियर होने में यूज कर सकते हैं और डे लाइट में आदि योगी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, इसके अलावा इवनिंग के टाइम में भी आपको आदि योगी के दर्शन करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि शाम 7 बजे से यहाँ इंटरनेशनल लेवल का लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा एक्सपीरियंस हो सकता है और बिल्कुल भी मिस करने लायक नहीं है। ये इवेंट 40 मिनट का होता है। यहाँ से निकलने के बाद आप भिक्षा हॉल में डिनर के लिए जा सकते हैं और वहाँ शुद्ध सात्विक ऑर्गेनिक देसी फूड को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी फूड पसंद है तो आप स्पाइसी फूड के लिए जा सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मल भोजन चाहिए तो नॉन स्पाइसी भोजन की भी व्यवस्था यहाँ पे होती है। डिनर के लास्ट बैच की एंट्री 8 बजे बंद हो जाती है, जो कि 8:30 बजे तक चलती है। लेकिन इमीडिएटली अगर आप भोजन नहीं करना चाहते तो आप थोड़ी देर रुक के आश्रम के मेन गेट के सामने जो कैफेटेरिया है वहां जाके डिनर कर सकते हैं। लेकिन यहां भी आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि 9:30 बजे तक ही ओपन रहता है। अभी के लिए गुड नाइट करते हैं, कल सुबह मिलते हैं आपसे पूरे दिन के कंप्लीट शेड्यूल को डिस्कस करते हुए। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दूसरे दिन की शुरुआत हम कर सकते हैं गुरु पूजा से, जिसकी टाइमिंग होती है 5:30 बजे से 7:30 बजे तक। लेडीज के लिए साधना हॉल और जेंट्स के लिए इसे सूर्यकुंड मंडपम में रखा जाता है। 6 बजे ध्यानलिंग मंदिर खुल जाता है, जो कि यहाँ का सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है, क्योंकि ध्यानलिंग मंदिर की वजह से ही ईशा फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। तो अगर आप ईशा फाउंडेशन आए हुए हैं तो ये एक मस्ट 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 विजिट प्लेस है, जहाँ आपको अपने स्टे के दौरान 2 से 3 बार जरूर आना चाहिए। ध्यानलिंग दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे 7ों के 7 चक्र जागृत है, और यहाँ पे सिर्फ बैठने मात्र से ही आप ध्यान को अनुभव कर सकते हैं, चाहे आपको कभी ध्यान का एक्सपीरियंस हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन यहाँ केवल 15 मिनट आराम से बैठ जाने से ही आप बिना किसी कोशिश के, बिना किसी मंत्रोच्चार के, बिना किसी के गाइडेंस के ध्यान की उस अवस्था में पहुँच जाते हैं, जिसे महसूस करने के लिए एक सामान्य इंसान को किसी गुरु के मार्गदर्शन के साथ ही कई हफ्तों, कई महीनों और कई सालों का समय भी लग सकता है। लेकिन यहाँ केवल बैठने मात्र से ही आप उस अवस्था में जा सकते हैं। और अगर आप ध्यानलिंग मंदिर के एक्सपीरियंस को मैक्सिमम में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करते हुए जाना होता है। जैसे कि मंदिर में प्रवेश से पहले ही आपको मौन धारण करना होता है, इसके बाद आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। वहाँ पे प्रवेश करके वहाँ पे आप आराम से बैठ जाएं। पहले 2 मिनट में आपको ध्यान लिंग को देखना होता है, उसके बाद आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। अपने बॉडी, अपने माइंड को रिलैक्स छोड़ दें। किसी भी प्रकार के मंत्रोच्चार की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको ध्यान के लिए किसी प्रकार का एफर्ट देना है। इंस्ट्रक्शंस को अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किया है तो थोड़ी ही देर के बाद आप ध्यान की उस अवस्था को अनुभव कर सकते हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं किया होगा। और सारी चीज़ें अगर ऐसी ही करते हैं तो आप उठने के बाद महसूस करेंगे कि आप ध्यान के स्टेट से अभी अभी बाहर आए हैं। फ्रेंड्स, शुरू के 2 दिन जब हम ध्यानलिंग मंदिर गए तो हमें कुछ खास यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं हो पाया था, क्योंकि हमें यहाँ के कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में आइडिया नहीं था। तीसरे दिन जब वापस जाने से पहले हमने कुंड में स्नान किया और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, उसके बाद हम वहाँ पे जाके बैठे, तो हमारा एक्सपीरियंस पहले 2 दिनों से काफ़ी अलग था और कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ भी होती हुई महसूस हुई। यहाँ से निकलने के बाद आप माता लिंग भैरवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल लगा हुआ है। ये मंदिर भी सदगुरु द्वारा कॉन्सिक्रेट यानी प्राण प्रतिष्ठित करी गई है, और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और अनलाइक अदर देवी टेम्पल्स, यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था और काफ़ी अनयूजुअल सा था। ईशा फाउंडेशन के गर्भगृह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के गर्भगृह तक आप जा सकते हैं और काफ़ी टाइम तक वहाँ बैठकर वहाँ का ऑरा, वहाँ के अनुभव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 9:30 बजे भिक्षा हॉल ओपन हो जाता है, जहाँ जाके आप लंच और ब्रेकफास्ट यानी ब्रंच का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन टाइम के लिए आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी टाइमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और 11:30 बजे ये बंद हो जाता है। ब्रंच के बाद आप ओंकार की दीक्षा के लिए साधना हॉल जा सकते हैं, जो कि 12:30 बजे से 1:15 बजे तक दी जाती है। अगर आप उपयोग या ईशा क्रिया सीखना चाहते हैं तो साधना हॉल में 9 बजे से 4 बजे तक हर आधे घंटे के किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के बाद भी अगर आप में एनर्जी बची है और अगर आप टायर्ड नहीं हैं तो ईशा के प्रॉपर्टीज़ को आप घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो अपने रूम जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद 4:45 बजे से नालंदा कॉटेज के सामने वाले ग्राउंड में होने वाले आउटडोर गेम्स और एक्टिविटीज को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ईशा के एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको इस एक्टिविटी में जाना ही चाहिए, जहां पे आप फिर से अपने एक टीनेजर वाले एंथुजियाज्म को फील कर सकते हैं। इसके बाद बचे हुए समय को यूटिलाइज करने के लिए आप फिर से ध्यानलिंग मंदिर जा सकते हैं और भिक्षा हॉल में भोजन ग्रहण करके अपने डे का एंड कर सकते हैं। अगर आप पहले ईशा फाउंडेशन आ चुके हैं या हमारे इस वीडियो के बाद आते हैं तो हमें ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, ये था ईशा योगा सेंटर का कंप्लीट शेड्यूल और प्लान। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टेल अस इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। फ्रेंड्स, यहाँ से चेकआउट करके हम चले गए कोयम्बटूर, क्योंकि हमारी ट्रेन कंफर्म नहीं हुई थी, सो एक दिन हमें और रुकना पड़ा। लेकिन ये बहुत ही प्लीजेंट हो गया, क्योंकि वो पूरा एक दिन हमने कोयम्बटूर शहर को और वहाँ के फूड को एक्सप्लोर करने में लगा दिया। हमने यहाँ के फेमस अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में जाके वहाँ का स्नैक्स ट्राई किया, जो कि बहुत ही अमेजिंग था, और साथ ही वहाँ की स्वीट्स, जो कि मस्ट ट्राई डिशेज में से एक है। इसके अलावा हमने अन्नपूर्णा की साउथ इंडियन थाली भी ट्राई करी, जो कि मुझे अच्छी लगी। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं करी, वो थी यहाँ की थाली में जो वेजिटेबल्स थे, उनमें सब का फ्लेवर खट्टा था, जो मैं शायद उस लेवल का एंजॉय नहीं कर पाया। लेकिन अगर आपको सॉरी फ्लेवर पसंद है तो आप इसको डेफिनेटली बहुत एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आरएसपुरम रोड पे एवन चिप्स हम गए, वहाँ के हमने बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही डिलीशियस चिप्स ट्राई करे, जो कि मस्ट ट्राई एंड मस्ट हैव स्नैक्स में से हैं। जब भी कोयम्बटूर आ रहे हैं तो यहाँ का चिप्स ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद यहाँ से निकल के कुछ स्पेशल ट्राई करने के लिए हम यहाँ के आरएसपुरम रोड में कोकोनट फ्लावर सेल करने वाले एक शॉप पे चले गए, जो कि यहाँ का बहुत ही यूनिक फूड है, जो कि आपको मोस्टली साउथ में ही देखने को मिलता है। इसे ट्राई करने में मुझे मज़ा आया, तो अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो ये एक मस्ट है फूड में से एक है। साथ ही कोयम्बटूर सिल्क साड़ियों के लिए और टेंपल ज्वेलरी के लिए बहुत फेमस है। अगर आप यहाँ आते हैं तो इसे टाउन हॉल वाले मार्केट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब भी कोयम्बटूर ईशा फाउंडेशन का टूर प्लान करते हैं तो एक दिन आप कोयम्बटूर घूमने के लिए ज़रूर रख सकते हैं। हमें ज़रूर बताइए आपको हमारा ये एफर्ट, हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। किसी भी सुझाव या फीडबैक के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिसकी आईडी है ASunderscore Explores। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए शहर, किसी नए फूड, किसी नए कल्चर, किसी नए स्टोरी को एक्सप्लोर करते हुए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS Explores। नमस्कारम।